हेलो दोस्तों, मैं पुनीत सोलंकी आज आपके लिए एक विशेष टॉपिक लेकर आया हूँ। जी हाँ, विशेष टॉपिक है अपने एक पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। जी हाँ, आज हम जानेंगे पाकिस्तान का संपूर्ण इतिहास शुरू से लेके अंत तक। तो चलते हैं सीधे टॉपिक पर। पाकिस्तान, जिसका आधिकारिक नाम पाकिस्तान इस्लामी गणतंत्र है, जो भारत के पश्चिम में स्थित एक इस्लामी देश है। 20 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का छठा बड़ा आबादी वाला देश है। यहाँ की प्रमुख भाषाएं उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलूची और पश्तो हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और अन्य महत्वपूर्ण नगरों में कराची, लाहौर, फैसलाबाद आदि नगर इसके अंतर्गत आते हैं। आतंकवादी और विद्रोही गतिविधियों के आधार पर किए गए विश्लेषण में पाकिस्तान को दुनिया का 8वां सबसे खतरनाक देश बताया गया है। क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान 8,81,913 वर्ग किलोमीटर के साथ दुनिया का 36वां बड़ा देश है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। कबायली इलाके और इस्लामाबाद भी पाकिस्तान में शामिल हैं। इनके अलावा पश्चिमी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित है, हालांकि भारत इन्हें अपना भाग मानता है। पाकिस्तान का समुद्री तट 1,046 किलोमीटर लंबा है, साथ में इसके दक्षिण में अरेबियन सागर और ओमान की खाड़ी, पूरब में भारत का बॉर्डर है, पश्चिम में अफगानिस्तान, दक्षिण पश्चिम में ईरान, उत्तर पूर्व में चाइना है। यह तजिकिस्तान से अलग है और ओमान के साथ इसकी समुद्री बॉर्डर भी है। पाकिस्तान रणनीतिक रूप से मध्य पूर्व, सेंट्रल एशिया और दक्षिण एशिया पर अपने पैर फैलाए हुए बैठा है। अब जानते हैं पाकिस्तान का इतिहास। वैसे तो 15 अगस्त 1947 से पहले यह भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज से 5,000 साल पुरानी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, वो अधिकांश रूप से पाकिस्तान में फैले सिंधु नदी के मैदान में फैली थी। यह सभ्यता प्राचीन सभ्यता का उद्गम स्थल मानी जाती है, जो पहले बहुत से प्राचीन संस्कृतियों का घर हुआ करती थी और बाद में इस प्रदेश पर बहुत से शासकों और अलग अलग संस्कृति ने शासन किया है, जिसमें हिंदू, इंडो, ग्रीक, मुस्लिम, तुर्की मुगल, अफगान और सिख शामिल हैं। इस भूभाग पर बहुत से शासकों और साम्राज्यों ने शासन किया, जिसमें भारतीय मौर्य साम्राज्य, पर्थियन, आर्चेमीनियन साम्राज्य, मकदूनिया के एलेक्जेंडर, अरब, दिल्ली संतलत, मंगोल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, दुरानी साम्राज्य, सिख साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य का समावेश है। सिकंदर के आक्रमण के समय पाकिस्तान के अधिकतर क्षेत्र पर सम्राट पोरस का साम्राज्य था। राजा पोरस का समय 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कुरुवंशी महान सम्राट पोरस सिंध, पंजाब सहित बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे। पोरस का साम्राज्य जेहलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित था। भारत में इस्लामिक शासन का विस्तार 7वीं सदी के अंत में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण और बाद के मुस्लिम शासकों द्वारा हुआ। इतिहासकारों के अनुसार इस्लाम के प्रवेश के पहले अफगानिस्तान में बौद्ध व हिंदू धर्म यहाँ के राज धर्म थे। मोहम्मद बिन कासिम ने बलूचिस्तान को अपने अधीन में लेने के बाद सिंध पर आक्रमण कर दिया। सन 1711 ईस्वी में पाकिस्तान का पश्चिमी भाग हिंदू राजपूतों द्वारा शासित था। 1076 ईस्वी में गजनी ने राजा जयपाल शाही से इस क्षेत्र को जीत लिया। इस समय बहुत सी हिंदू जातियां इस्लाम में जाने लगीं। इनको अरबों द्वारा शेख का पद दिया गया। हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के कई कारण थे, जिसमें इस्लाम के प्रति झुकाव और आर्थिक दबाव प्रमुख थे। मुस्लिम शासन में संरक्षण और सामाजिक गतिशीलता के कारण यह हो पाया। इसके अलावा जजिया कर से भी धर्म परिवर्तन के कारण बचा जा सकता था। जजिया कर काफिर या फिर गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता था। तत्कालीन कठोर जाति व्यवस्था के कारण दलित जाति ऊंची हिंदू जातियों द्वारा सामाजिक अत्याचार अपमान से परेशान होकर सूफियों द्वारा मुस्लिम बन गई। हिंदू जातियों का मुस्लिम परिवर्तन मुख्यतः 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुआ। उच्च हिंदू जातियां भी मुस्लिम धर्म में आर्थिक राजनीतिक फायदे के कारण आई थीं, लेकिन फिर भी उनका सामाजिक ढांचा पूर्णतः बना रहा। इन परिवर्तनों को सामूहिक किया गया था, जिसके द्वारा संपूर्ण जाति को बचाए जाने की धारणा थी। 16वीं सदी के मध्य एशिया से भागकर आए हुए बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कर लिया।
और पाकिस्तान मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। मुगलों ने काबुल तक के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 18वीं शताब्दी के अंत तक विदेशियों, खासकर अंग्रेजों का प्रभुत्व भारतीय उपमहाद्वीप पर बढ़ता गया। सन 1857 के गदर के बाद संपूर्ण भारत अंग्रेजों के अधीन आ गया। अंग्रेजों के शासनकाल में खासकर पंजाब में कई विरोध आंदोलन हुए। इस दौरान पंजाब और सिंध में अच्छी खासी हिंदू आबादी थी, पर जनतंत्र की मांग को लेकर और मुस्लिमों के अल्पमत में होने के कारण अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग होने लगी। पाकिस्तान का जन्म 1947 में भारत के विभाजन के फलस्वरूप हुआ। सर्वप्रथम 1930 में कवि शायर मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का जिक्र किया। उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम में सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब तथा अफगानिस्तान को मिलाकर एक नया राष्ट्र बनाने की बात की। 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान, सिंध, कश्मीर और बलूचिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान शब्द का सृजन किया। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में किए गए पाकिस्तान अभियान के परिणाम स्वरूप 1947 में पाकिस्तान का निर्माण मुस्लिम धर्म के लिए एक आज़ाद देश के रूप में किया गया। सन 1947 से 1970 तक पाकिस्तान दो भागों में बंटा रहा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। दिसंबर 1971 में भारत के साथ हुई लड़ाई के फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना और पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान रह गया। आइए अब देखते हैं पाकिस्तान के महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है, जो पैसों में बांटा जा सकता है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 166 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर होती है। सन 2005 तक पाकिस्तान पर 240 अमेरिकी डॉलर का विदेशी कर्ज था, जो अमेरिका द्वारा दिए गए ऋण माफी और अन्य संस्थाओं द्वारा दिए गए वित्तीय मदद के कारण कम होता जा रहा है। पर अब अमेरिका पाकिस्तान की कोई सहायता नहीं करेगा। पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की छठी सबसे विशाल आर्मी है और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर शक्ति भी है। न्यूक्लियर हथियार रखने के मामले में वह दक्षिण एशिया का दूसरा देश है और विश्व का एकमात्र मुस्लिम देश। अगर संस्कृति की बात की जाए तो पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, अतः यहाँ की संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव रहा है। नृत्य और संगीत पर इस्लाम की पाबंदी की वजह से सार्वजनिक जीवन में इसका प्रचलन उच्च वर्ग तथा निम्न तबके के बीच रह गया है। सूफी मज़ारों पर मेले और अन्य परंपराएँ सदियों से यहाँ चली आ रही हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में महत्वपूर्ण तिथियाँ। पाकिस्तान में जो महत्वपूर्ण तिथियाँ मानी जाती हैं, सन 1920 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। 1933 में पहली बार कैम्ब्रिज के छात्र रहमतुल्ला चौधरी ने पाकिस्तान नाम सुझाया। 1940 में जाकर देश में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुस्लिम मुल्क की पहली मांग रखी। 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान में हिंदू और मुस्लिमों को साथ रहने का प्रस्ताव दिया गया। अगस्त 1947 में बंगाल में जबरदस्त सांप्रदायिक तनाव फैला और 5,000 लोग मारे गए। जून 1947 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन के विभाजन प्रस्ताव को जिन्ना और कांग्रेस ने मंजूरी दी। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, जबकि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान ने 1948 और 1965 में भारत के साथ युद्ध किया। 1948 के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और 1965 युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। इन दोनों ही युद्धों में हार जीत का निर्णय नहीं हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत संघर्ष विराम किया गया। सन 1971 में पाकिस्तान में फिर भारत के साथ युद्ध किया। इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई, पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र देश हो गया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान थे। सन 1998 में भारत के साथ कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तानी सेना को कारगिल से हटना पड़ा था। तो दोस्तों और विद्यार्थियों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।